वेलकम टू व्लॉग। तो जैसे सबको पता है कि मैं अभी थाईलैंड में हूँ और मैं अभी हूँ फुकेट में और सिमिलन आइलैंड में। तो यहाँ पे मुझे बूफे मिलने वाला है और जो मेन्यू मुझे पता चला है वो काफ़ी अजीब गरीब है। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ भी ये खाना शेयर किया जाए, इसके फीडबैक दिए जाएँ। हलाल है, डोंट वरी, कोई पोर्क वोर्क नहीं खाने लगा, लेकिन ऐसे सी आइटम जो हमने पहले कभी नहीं खाए हों वो यहाँ पे सी आइटम मैं खाने लगा हूँ। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस लंगर की लाइन में लगना पड़ेगा और दाता के दरबार से सब कुछ यहाँ से मिलेगा आपको। तो मैं लाइन में लग गया और मैं यहाँ से खाना अपना पकड़ता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ कि जगह ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है वो वेजिटेरियन है। तो मैंने दो डिशें ले ली हैं, ये नहीं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा एज नहीं मिलने वाला, तो मैं दो डिशें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम दो पर्सन हैं, हम सिंगल नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको वहाँ पर बैठ के कहीं रिव्यू। ओके, अभी इन्होंने खाना दे दिया है। अगर आप स्पेशल ऑर्डर करते हैं तो आपको ये वेजिटेरियन, जैसे मैंने किया था, तो वेजिटेरियन मिलेगा। उसके अलावा आपने फिश या चिकन करना है तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये मेरा खाना है और जो ये मेरे साथ है उसका ये है वो वेजिटेरियन है। तो इसलिए अगर आपने हलाल खाना है या कुछ भी खाना है तो आप क्या करें वहाँ पर बता दें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स एंजॉय। किस चीज़ का सैलड दे दिया है, श्रिम्प है ये, और ये आपको दिख रहा होगा इसकी आंखें भी इन्होंने साथ दे दी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका सर मैं अलहदा कर दूंगा और इतनी सारी टांगे हैं, 40-50 तो होंगी, मुझे हाथ लगाने से डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी इसके अंदर से क्या निकलता है। इसकी दुम को आपने दबाना है, दुम को दबाने के बाद आपने इसकी सारी टांगें ना निकाल देनी है। ये फुल कुक नहीं है, सेमी कुक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पूरी स्किन पील ऑफ कर दी। पील ऑफ करने के बाद समझ नहीं आ रही खाया भी जाएगा कि नहीं, ठीक हो गया। पील ऑफ करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तब इसको ट्राई करते हैं। 1, 2, 3 फिश जैसा टेस्ट है, फिश जैसा, लेकिन फिश नहीं है। तो ये श्रिम्प है क्योंकि उसके अलावा ये जो हम समंदर के पास सिप्पियां देखते हैं वो है। इसके अंदर आज मैंने देखा कि मीट होता है, तो ये इसको कैसे खाते हैं, इसको खाने का भी यही तरीका है कि इस मीट को लें। और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, पता है आपको। और इसको फुल डिप करें, समझ नहीं आ रही ये भी कैसा होगा, लेकिन इसको फुल डिप कर लें और आंखें बंद करके खा जाएं। इसके बाद है स्क्विड, इसकी मैं फोटो दिखाऊंगा ये दिखने में कैसा होता, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाएगा। ये तो फिश फिश है, ये पाकिस्तानी स्टाइल है फ्राइड पे, ये अभी भी कुछ अब मुझसे खाया नहीं जा रहा। तो अभी खाना खा लिया, चलते हैं, बाय बाय।